राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया है। राष्ट्रपति ने सोमवार 5 फरवरी को शाम मालदीव में आपातकाल की घोषणा कर दी। ये आपातकाल 15 दिनों के लिए लगाया गया है। उधर राजधानी माले में सेना तैनात है। सेना ने संसद को चारों तरफ से घेर कर सील कर दिया है। लोग सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसद ईवा अब्दुल्ला ने बताया कि सभी मूलभूत अधिकारों को रद्द कर दिया गया है। सेना को अतिरिक्त ताकत दे दी गई है। सेना को सर्च और गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए हैं। सेना ने छापेमारी और गिरफ्तारियां शुरू कर दी है। जानकारी मिली है कि सेना ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तोड़ दिए हैं। भारत ने मालदीव में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम और कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता प्रकट की है और अपने नागरिकों को अगली सूचना तक हिंद महासागर के इस देश की सभी गैर जरूरी यात्रा टालने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मालदीव में भारतीय प्रवासियों को भी सुरक्षा के बारे में चौकस रहने और सार्वजनिक स्थानों पर जाने और जमा होने से बचने को कहा है। परामर्श में कहा गया है कि मालदीव में मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम और उसके बाद कानून व्यवस्था की स्थिति सरकार के लिए चिंता का विषय है, इसलिए भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक माले और अन्य द्वीपों की सभी गैर जरूरी यात्राएं टालने की सलाह दी जाती है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।